हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस। आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस वनीला मफिन्स और ये टेस्ट में बहुत ही यमी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाए हैं तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आधा कप हॉट मिल्क यूज़ में ले रही हूँ। तो आपको इसमें गर्म दूध ही यूज़ में लेना है। अब मैं इसमें 1/4 कप सॉल्टेड बटर ऐड करूँगी। तो इसे हम कुछ देर के लिए मिक्स कर लेंगे ताकि जो बटर है वो मेल्ट हो जाए। तो जैसा कि हमारा दूध गर्म है, बटर जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो लीजिए, बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कर्ड यूज़ में ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें वाइट विनेगर भी यूज़ में ले सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी। मिक्स कर लेने। अब इस मिक्सचर को हम 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे ताकि जो हमने इसमें दही ऐड किया है वो अच्छे से पूरे दूध में मिक्स हो जाए। और यही मेन सीक्रेट है हमारे सुपर सॉफ्ट मफिन्स का। तो 10 मिनट के बाद में मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड करूँगी, 3 टीस्पून मिल्क पाउडर। इससे हमारे मफिन्स जो हैं वो अच्छे मिल्की बनेंगे टेस्ट में। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, सिर्फ इसे इतना ही मिक्स करना है कि जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिल्क में मिक्स हो जाएं। अगर हम इसे ज़्यादा देर तक फेंटेंगे तो फिर ये अच्छे से फ्लफी नहीं बनेंगे। तो बस आपको इसे थोड़ा सा मिक्स ही करना है। अगर आपको लगता है आपका बैटर जो है वो थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें। अब वापस से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल यही रखनी है। तो अब हम इसे जो मफिन मोल्ड है उसमें डाल देंगे। तो उसे मैंने ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ है। अब हम जो ये बैटर है वो इसमें फिल करेंगे। तो हमें इसे 3/4 ही फिल करना है, पूरा फिल नहीं करना है। तो लीजिए, इसे मैंने फिल कर दिया है बैटर से। अब मैं इसे टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर लूँगी। तो अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो आप डालिए, अदरवाइज ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। और अगर आपके पास में चोको चिप्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो टूटी फ्रूटी से ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरीके से बनी हुई जो मफिन्स हैं बच्चे उन्हें काफ़ी शौक से खाते हैं। तो ये रेडी है माइक्रोवेव में रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव को पहले से ही प्रीहीट किया हुआ था 180 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम ये जो हमारी मफिन्स की ट्रे है वो इसमें रख देंगे। तो अब मैं इसे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पर रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं इसे। तो देखिए, मफिन्स जो है वो धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मफिन्स रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें एक टूथपिक डालकर देखेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो ये टोटल 20 मिनट में बनकर रेडी हुए हैं। 15 मिनट्स में ये थोड़े से हाफ कुक थे तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए और बेक किया है। उसके बाद में ये रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा बैटर बच गया था वो इस तरीके से अलग मोल्ड में रखा है और उसके ऊपर चोको चिप्स लगा लिए हैं। तो अब हम मफिन्स को ठंडा कर लेंगे। तो मैं इसे एक किचन टॉवल से कवर कर दूंगी ताकि इसके जो टॉप लेयर है वो हार्ड ना हो। तो 5 से 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मफिन्स जो है वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें डीमोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही इजीली बाहर निकल के आ जाते हैं। तो अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। और अगर आप इन्हें गरम गरम ही निकालेंगे तो फिर ये टूट सकते हैं। तो
थोड़ा ठंडा करके ही इन्हें बाहर निकालें। तो लीजिए सारे कपकेक्स मैंने बाहर निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, और जितने अच्छे ये दिख रहे हैं उससे काफ़ी अच्छे ये टेस्ट में बने हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको एक मफिन तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितने सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं और कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो इन्हें पूरा प्रेस करने के बाद भी ये अच्छे से फूल कर ऊपर आ रहे हैं, और देखिए कितना इजीली ये टूट कर अलग हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इन मफिन्स को ट्राई करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ में शेयर करें। सो एंजॉय द मफिन्स।